आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी सब्सक्राइबर के लिए काफ़ी ज़्यादा ह्यूज यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अलग अलग जॉब प्रोफाइल के रिलेटेड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, सॉफ्टवेयर के अंदर वैकेंसी या सेल्स के अंदर या डाटा एंट्री के अंदर देखने को मिलेगी, BPO टेलीकॉलर के अंदर देखने को मिलेगी, कस्टमर सर्विस के अंदर देखने को मिलेगी और अलग अलग कंपनी के अंदर आपको जहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आज की वीडियो के अंदर जो जहाँ पे वैकेंसी है ना, आपको जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी जहाँ पे मिल जाएगा, प्लस पार्ट टाइम भी मिल जाएगा, फुल टाइम भी मिल जाएगा, और अगर आप ऑफिस में वर्क करना चाहते हो वो भी जहाँ पे मिल जाएगा। कंडीशन कुछ नहीं है, सिंपल सा इस वीडियो के अंदर वॉच आउट कर लेना। सारा प्रोसेस जहाँ पे लाइव करके दिखाऊंगा कैसे जहाँ पे अलग अलग कंपनी के अंदर जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है। बट उससे पहले आप सभी से एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप जहाँ पे जॉबलेस लविज यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो इस चैनल को मस्ट मस्ट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम जो चैनल का जहाँ पे लिंक मिलेगा उसको जहाँ पे मस्ट मस्ट ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी जॉब्स के जो जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई लिंक है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, वहाँ से आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल से अप्लाई लिंक मिलेगा, उसके ऊपर टैप करके किसी भी जॉब के लिए जहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जितने भी लेटेस्ट जॉब की पोस्टिंग होती है ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी, वहाँ से सिंपल से आपको जहाँ पे अप्लाई कर लेना है। और इस वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब जहाँ पे देखो, सबसे पहले जो जहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है नो ब्रोकर कंपनी की तरफ से जहाँ पे निकल के आ रही है, जैसे जहाँ पे अभी के टाइम में हायरिंग कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी जहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम ऑफिस भी जहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर आप जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अप्लाई करना चाहते हो तब भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ऑफिस में जॉब करना चाहते हो तब भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कौन सी पोस्ट जहाँ पे दी हुई है, तो सेल्स एक्सपर्ट की जो जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम रहेगी, कस्टमर सर्विस एक्सपर्ट की भी जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जहाँ पे रहेंगी, और अगर आपको ऑफिस में करना हो तो सेल्स एग्जीक्यूटिव और रिलेशनशिप मैनेजर की जहाँ पे पोस्ट दी हुई है। लोकेशन भी इन्होंने जहाँ पे मेंशन करी है, तो लोकेशन आपको थोड़ा सा जहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर आप जहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करते हो तो पैन इंडिया से कोई भी जहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको ऑफिस में वर्क करना हो तो बैंगलोर की लोकेशन में आपको जहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। सैलरी पैकेज इन्होंने जहाँ पे मेंशन करा हुआ है, जो जहाँ पे घर बैठे जॉब रहेगी उसमें 14,000 रुपीज़ पर मंथ प्लस से आपको इंसेंटिव मिलेगा, और इसी तरह से अगर आप जहाँ पे ऑफिस में जॉब करते हो तो 19,000 से लेकर 25,000 रुपीज़ आपको प्लस आपको इंसेंटिव प्लस आपको मील अलग से जहाँ पे दिया जाएगा, तो इतना पैकेज जहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और जहाँ पे क्वालिफिकेशन भी काफ़ी कम इन्होंने जहाँ पे मांगी हुई, अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, आप जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए जहाँ पे वैकेंसी है। अगर आप जहाँ पे घर बैठे जॉब जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपके पास लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन जहाँ पे होना चाहिए, अगर आप ऑफिस के लिए जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहाँ पे कंपनी लैपटॉप और वाईफाई दोनों जहाँ पे प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपके पास जहाँ पे गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपके पास होने चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको जहाँ पे होना चाहिए। अब जहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको जहाँ पे अपना नेम फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करनी है, कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ पे फिल करना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर को आप जहाँ पे छोड़ सकते हो, हाईएस्ट आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वो जहाँ पे फिल करनी है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना अवेलेबल है वो जहाँ पे फिल करना है, करंट आप कौन सी सिटी से जहाँ पे बिलोंग करते हो वो जहाँ पे फिल करना है, करंट आपकी स्टेट कौन सी है वो जहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको जहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो सिंपल से आप कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोल सकते हो वो जहाँ पे फिल करना है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, जो भी लैंग्वेज, उर्दू वगैरह, मलयालम, जो भी लैंग्वेज आपको आती होंगी वो जहाँ पे टाइप कर लेना। उसके बाद किस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए तो सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एनी को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जा रहा है कितने डेज के अंदर आप जहाँ पे ज्वाइनिंग डाल सकते हो तो वो जहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आप जहाँ पे इमीडिएटली ज्वाइनिंग डाल सकते हो तो इमीडिएट ज्वाइनर जहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, 7 दिन के अंदर डाल सकते हो तो 7, अगर 15 दिन के अंदर डाल सकते हो तो 7 से 15, और अगर आप 30 दिन के अंदर डाल सकते हो तो 15 से 30 जहाँ पे सेलेक्ट करके उसके नीचे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है और सबमिट के ऊपर टैप करना है। आप जैसे आप सबमिट के ऊपर टैप करोगे जो भी रिवर्ट होगा ओवर द ईमेल और कॉल के ऊपर आपको जहाँ पे देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल जहाँ पे चेकअप होगी, जो आपने रिज्यूम अपलोड करा होगा उसको जहाँ पे चेक करा जाएगा, उसके बाद अगर आपको कंपनी को लगता है कि आप इस बंदे को जहाँ पे हायर करना चाहिए तो फिर आपको जहाँ पे इसका रिवर्ट जहाँ पे देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको जहाँ पे बताया एक कंपनी के अंदर हायरिंग, इसी तरह से एक और जहाँ पे मैं आपको जहाँ पे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूँ जिसमें आपको मल्टीपल कंपनी के अंदर हायरिंग जहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप जहाँ पे दे सकते हो, अगर आप जहाँ पे सिंपल सा IT के अंदर जॉब चाहते हो तो IT आप जहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, IT के अंदर आपको जहाँ पे जॉब मिल जाएगी। इस तरह से आपको जहाँ पे अलग अलग जहाँ पे फिल्टर दिए होंगे, तो जिस भी कंपनी के अंदर आपको जॉब चाहिए होगी वो वाला फिल्टर सबसे पहले जहाँ पे लगा लेना। जैसे अगर आपको सेल्स के अंदर जॉब चाहिए होगी तो सेल्स वाले के ऊपर टैप करना, सेल्स के अंदर अलग अलग कंपनी के अंदर जो भी वैकेंसी होगी वो आपको जहाँ पे शो कर जाएगी। इंजीनियरिंग के रिलेटेड जॉब चाहिए तो वो जहाँ पे डाल सकते हो, BPO टेलीकॉलर की चाहिए होगी वो जहाँ पे डाल सकते हो, कस्टमर सर्विस की चाहिए होगी वो जहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से अकाउंटेंट की चाहिए होगी वो जहाँ पे डाल सकते हो, रिसेप्शनिस्ट की चाहिए होगी वो जहाँ पे डाल सकते हो। BeamWare के ऊपर क्लिक करोगे और आपको जहाँ पे जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेंगे, उसमें से जिसमें भी आपको इंटरेस्टेड होगा वो वाला प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल जहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके अंदर जितनी भी जहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होगी वो आपको जहाँ पे शो कर जाएगी। कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, वर्क फ्रॉम होम भी रहेगी, इंटर्नशिप बेसिस पे भी रहेगी, पार्ट टाइम भी रहेगी, फुल टाइम भी देखने को मिलेगी। सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करना है वो जॉब जहाँ पे सिलेक्ट करो, वो जॉब प्रोफाइल जहाँ पे सिलेक्ट करो, उसके अंदर वैकेंसी मिल जाएगी।
अब जैसे आपको जहाँ पे वैकेंसी मिल जाती है उसके बाद सिंपल से आपको अप्लाई के ऊपर टैप करना है। फर्स्ट टाइम आपको जहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो बेसिक से डिटेल फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपना जहाँ पे रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर लेना। उसके बाद एक ही बार आपको जहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद आप अलग अलग कंपनी के अंदर सिंपल से वन क्लिक के अंदर जहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर पाओगे। सिंपल से अगर आपने प्रोफाइल क्रिएट करी होगी तो सिंपल से अप्लाई के ऊपर टैप करना, ऑटोमेटिकली जहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको जहाँ पे बताना चाहता हूँ, इस चैनल के ऊपर आपको जितनी वीडियो जहाँ पे देखने को मिलती है, जिस भी जॉब अपडेट के बारे में हम आपको जहाँ पे बताते हैं, वो 100% फ्री रहती है। तो इनकेस अगर आपसे कोई भी पैसा वगैरह मांगता चाहे, वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा मांगा जाए, सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से मांगा जाए, तो किसी भी तरह का कोई भी पैसा अगर आपसे मांगता है तो उसको कुछ भी पे नहीं करना है। वो जहाँ पे स्कैमर्स होते हैं वो आपको कभी भी जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे। अभी भी अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा। और आप जहाँ पे फर्स्ट टाइम आ जाने का पर विजिट करें तो मैं चैनल को मस्ट मस्ट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जहाँ पे एकदम जेन्युइन कंटेंट आपको डेली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा।